Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine at your home. So we are doing lesson number 6, physical and chemical changes. So in today's class, let's continue with the chapter. The little bit part is remaining, and I'm doing today the uses of chemical reactions and the rusting of iron process in detail. These two things we will going to study in today's lesson. So first, uses of chemical reactions or chemical changes. Now we have studied many chemical changes. मैंने आपको इतने examples chemical changes के explain किए हैं. तो उनका क्या use होता है? Chemical change जो हो रहे हैं, उसका क्या use है? वो हम इसमें पढ़ेंगे. So the first is medicines, plastics, detergents, etc. are prepared by chain of chemical reactions. अब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उससे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं. मेडिसिंस बन रही हैं, सोप्स बन रहे हैं, डिटर्जेंट्स बन रहे हैं. ये सब जो बन रहे हैं वो वन और मोर सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं. और केमिकल चेंज क्या है? जब सब्सटेंस कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, वही केमिकल चेंज होता है. तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं. जैसे मेडिसिंस बनती हैं तो वो अलग अलग सॉल्ट्स को मिला के बनाई जाती हैं. प्लास्टिक्स बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं. और एज अ न्यू प्रोडक्ट जो चीज़ जिनका कॉम्बिनेशन जो हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं उससे अलग हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, मीन्स एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है. तो इसलिए ये केमिकल चेंज है और हमारे लिए यूजफुल है. सेकेंड, आई हैव रिटन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एन एसिड कंबाइंस विद अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट. तो एसिड और बेस कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट. एंड द वेरियस सॉल्ट्स आर यूजफुल टू अस. जो सॉल्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में यूज आते हैं. तो इस तरीके से ये जो केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये भी हमारे लिए यूजफुल है. थर्ड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स? जितने भी मेटल्स हैं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आयरन. तो जितने भी मेटल्स हैं वो हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं. मीन्स उनको प्योर करना पड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, विच यू विल गोइंग टू स्टडी इन दी हायर क्लासेस. आप हायर क्लासेस में डिटेल में एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे हम ओर्स से प्योर मेटल निकालते हैं. तो इसमें वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे हमें किसी भी चीज़ का प्योर फॉर्म मिलता है, प्योर मेटल मिलता है हमें एक्सट्रैक्ट करके उसके इम्प्योर फॉर्म से. तो आयरन अगर हमें निकालना है प्योर फॉर्म में आयरन, तो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उसको उसके इम्प्योर फॉर्म से. तो उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं. सो इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. और क्योंकि हमें इससे प्योर सब्सटेंसेस मिल रहे हैं जो कि अलग अलग किसी भी काम में हम उसे यूज ले सकते हैं. जैसे आयरन का मैंने एग्जाम्पल दिया है, आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ आयरन. तो आयरन जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आयरन से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं. हमारे डोर्स, विंडोज, टेबल्स, चेयर्स, फर्नीचर, कितनी सारी चीज़ें आयरन से बनती हैं. सो इट इज ऑल्सो अ यूज ऑफ द केमिकल चेंज. फोर्थ इज एवरी न्यू मटीरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अब जब प्रोडक्ट्स बनते हैं रिएक्टेंट्स को मिला के, मीन्स अलग अलग सब्सटेंसेस मिला के एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब भी किसी न्यू प्रोडक्ट की डिस्कवरी होती है तो वो केमिकल रिएक्शंस के ही थ्रू होती है. जब तक केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, न्यू प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, और न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो हमें किसी भी नई चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा? तो कोई भी जब न्यू मटेरियल डिस्कवर किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना पड़ता है. तो ये भी एक तरीके का यूज हो गया केमिकल चेंजेस का, क्योंकि कोई भी जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी से ही उसको समझ पाते हैं कि ये न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. लास्ट यूज आई हैव रिटन इज ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन. नाउ ओजोन we all know that it absorbs the harmful ultraviolet radiations coming
फ्रॉम द सन. सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं, तो अर्थ जो है वो ओजोन लेयर से सराउंडेड है, तो ओजोन उन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है. तो इस तरीके से ये एक यूज हो गया, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है ओजोन का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन में, क्योंकि ओजोन ब्रेकडाउन हो रहा है और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, दैट इज दी ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन तो पता ही है हम लोगों के लिए कितनी यूजफुल है. ओजोन का जो फॉर्मूला होता है इट्स O3, और जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ये ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, दिस इज ओजोन एंड दिस इज ऑक्सीजन. Okay, तो breakdown of ozone into oxygen is also the example of chemical change which is also useful. Now coming to the next process, that is rusting of iron. This we have discussed many a times. Rusting क्या होता है? Rusting is the formation of a new product, new substance, that is iron oxide. Rust को हम scientifically iron oxide कहते हैं. Iron oxide form होता है. अब ये कैसे form होता है ये भी मैंने बताया आपको. Two conditions are necessary for that. दो चीजों की requirement है, air और water. Means oxygen और moisture. जब भी iron article air और water के contact में आएगा, it start forming iron oxide. Means it start forming rust. उसमें जंग लगनी शुरू हो जाती है. So see, rusting of iron, iron articles reacts with oxygen. Iron article react करते हैं oxygen के साथ जो air में present है. Air में oxygen present है and water, moisture to form rust, that is the iron oxide. तो कोई भी iron article जब भी air और water के contact में आएगा तो वो iron oxide form करना start करता है, जिसको हम rust कहते हैं. See here, the reaction is also given. Iron when combines with oxygen or water, it forms the rust. और formula, iron का formula होता है Fe, oxygen का formula होता है O2, water का H2O. तो ये एक new substance form कर रहा है rust, that is Fe2O3, और इसको हम iron oxide कहते हैं rust को. So, कोई आपसे पूछे कि what is the formula of rust? तो formula of rust is Fe2O3. And what is the name of rust? Rust को हम और किस नाम से जानते हैं? It is iron oxide. तो जंग जो लगती है वो उसमें एक ब्राउनिश, किसी भी आयरन आर्टिकल पे जंग लगती है तो क्या होता है, वो ब्राउन कलर का होता है, हो जाता है आयरन आर्टिकल. तो वो जो ब्राउन कलर है वो आयरन ऑक्साइड होता है. नाउ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. अब आपको पता है जब भी रस्टिंग होती है, आयरन आर्टिकल पे रस्ट लग गया, तो वो आयरन आर्टिकल धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, डिटेरियोरेट हो जाती है उसकी जो क्वालिटी है. तो रस्टिंग को प्रिवेंट करना जरूरी है. सो व्हाट आर द वेज ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग? फर्स्ट इज पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स एट रेगुलर इंटरवल्स. नाउ आई हैव सेड दैट रस्टिंग अकर्स व्हेन आयरन आर्टिकल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर. जब भी आयरन आर्टिकल एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो रस्टिंग हो रही है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आयरन आर्टिकल को एयर और कॉन्टैक्ट में आने से बचाना है. We have to prevent the contact of iron articles with air and water. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? Iron article पे किसी और चीज की coating करके या paint करके. आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे जो doors और windows हैं हम उनको paint कर देते हैं तब उस पर rusting नहीं होती है, क्योंकि वो iron article पे जो paint की layer आ गई वो air और water के contact में आने से उसको बचाता है. तो फर्स्ट मेथड हो गया पेंटिंग. पेंट करने से आयरन आर्टिकल्स को हम रस्टिंग प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंड इज गैल्वनाइजेशन. दिस इज ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन. गैल्वनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स. जिंक की लेयर किसी भी आयरन आर्टिकल पे अगर हम जिंक की एक लेयर डिपॉजिट कर देंगे उस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं. और ये जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से होता है. ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है. अभी के लिए बस ये जान लीजिए कि गैल्वनाइजेशन क्या है. गैल्वनाइजेशन सिंपल आयरन आर्टिकल्स पे जिंक की लेयर डिपॉजिट करना, उसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं. अब आयरन आर्टिकल पे जिंक की लेयर आ गई तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बच गया एयर एंड वाटर के, सो रस्टिंग इज ऑल्सो प्रिवेंटेड. थर्ड
थर्ड इज कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स विद अ लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस. एक और ऑप्शन है हम आयरन आर्टिकल्स पे ऑयल या ग्रीस की लेयर लगा दें तो उससे भी वो एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से बच जाएगा और रस्टिंग प्रिवेंट हो सकती है. फोर्थ मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग इज मेकिंग एलॉय विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स. अब एलॉय क्या होता है? एलॉय एक मेटल है जो दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल से मिलके बनाया जाता है. अब क्यों बनाया जाता है? ताकि हम उस जो मेटल है उसको कोरोजन से बचा सकें. कोरोजन मतलब उसको खराब होने से, कोरोड होने से बचा सकें. इसलिए हम जैसे आयरन आर्टिकल्स है उस पर रस्टिंग ज़्यादा जल्दी लग जाती है, तो अगर हम आयरन आर्टिकल को किसी और मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स करके कोई चीज़ बनाए तो हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल दिया है मैंने, आयरन इज मिक्स्ड विद क्रोमियम, निकल और मैंगनीज. आयरन को क्रोमियम, निकल या मैंगनीज के साथ मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं. स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय. एलॉय है स्टेनलेस स्टील क्योंकि ये आयरन का मेटल्स के साथ मिक्सचर से बना है. एलॉय मैंने आपको बताया एक मेटल है जो दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल से मिलके बना हुआ है. तो स्टेनलेस स्टील आयरन और किसी मेटल से मिलके बना है तो स्टेनलेस स्टील एलॉय है. और आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील क्या होती है, द यूटेंसिल्स इन विच वी ईट फूड इज ऑफ स्टेनलेस स्टील. जिसमें हम खाना खाते हैं सिल्वर कलर के यूटेंसिल्स वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं. तो उसमें कभी आपने जंग लगते हुए देखा है? नो, क्योंकि उसमें जो आयरन आर्टिकल्स है आयरन को मिक्स करके बनाया गया है किसी और मेटल के साथ. तो इस तरीके से भी हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो दीज वर द फोर वेज बाय विच द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड. नाउ वन मोर पॉइंट इज देयर, रस्टिंग अकर्स फास्टर नियर सी कोस्ट. रस्टिंग का प्रोसेस कोस्टल एरियाज में बहुत फास्ट होता है. मीन्स किसी भी आर्टिकल में जंग ज़्यादा जल्दी लगती है अगर वो कोस्टल एरियाज में. कोस्टल एरियाज मीन्स नियर टू द सी, समुद्र के पास के जो एरियाज हैं वहाँ पर रस्टिंग का प्रोसेस फास्टर है. क्यों फास्टर है? क्योंकि एक तो वहाँ की एयर में वहाँ की जो एयर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर. तो आयरन आर्टिकल्स जैसे ही उसकी ह्यूमिडिटी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में, तो रस्टिंग होनी होनी है. दूसरा एक पॉइंट है, आपने देखा होगा सुना होगा कि ओशन का जो वाटर है, सीज का जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है. सॉल्टी वाटर होता है मीन्स मैनी डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन इट. उस वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और डिजॉल्व सॉल्ट्स जब भी आयरन डिजॉल्व सॉल्ट्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो रस्टिंग का प्रोसेस फास्टर हो जाता है. तो इसीलिए जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्र के पास के एरियाज हैं, वहां पर रस्टिंग बहुत ज्यादा जल्दी होती है. सी रस्टिंग अकर्स फास्टर नियर सी कोस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजन. फर्स्ट, एयर हैज मोर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी. कोस्टल एरियाज में जो एयर है वहां पे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी कंटेंट बहुत ज्यादा है जो रस्टिंग को इनिशिएट करता है. सेकेंड, सी वाटर कंटेन्स मैनी डिजॉल्व सॉल्ट्स विच मेक्स रस्टिंग फास्टर. सी वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो रस्टिंग को फास्टर करते हैं, रस्टिंग ज़्यादा जल्दी लगती है. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. अ लिटिल बिट पार्ट इज रिमेनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड द एक्सरसाइजेस दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो हैव अ वेरी गुड वीकेंड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.